अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, होप यू ऑल आर गुड। एंड मेरे पास ऊपर से किसी का मैसेज आ गया जो कि मैंने देखने वाली। अच्छा खैर, तो इट्स बीन अ लॉन्ग के मैंने आप लोग से ऐसे कभी बात नहीं हुई, ऐसा कोई ट्यूटोरियल नहीं बनाया। तो मैंने सोचा कि रमज़ान के दिनों का फ़ायदा उठाया जाए और ऐसा ट्यूटोरियल बनाया जाए, क्योंकि जो है कि हमें एक तो मैं गाना पीछे नहीं लगा सकती थी, बहुत सारे हमारे ऊपर एलिगेशंस लग जाते हैं, फजूल के कॉमेंट्स आने लग जाते हैं, जो कि किसी तरीके से सही भी हैं कि ना लगाया जाए तो बेहतर है। ठीक है, तो या तो आज जो है बेसिकली हम क्या करेंगे, आज मैं आपको लाइव अपनी एक एक चीज़ दिखाऊंगी, जो कि मैं एक ये बिल्कुल स्पॉन्सर्ड नहीं है कि मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में आपको ज़्यादा बताऊंगी या किसी स्किन केयर, नो, ये जस्ट वो है जो मैं करती हूँ, जो मैं एक नॉर्मल कहीं भी जाने के लिए लुक क्रिएट करती हूँ। ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि पिंक ड्रेस के ऊपर अच्छा लगेगा या ब्लैक के ऊपर अच्छा लगेगा, रेड पर, नो, ये हर ड्रेस के ऊपर अच्छा लगेगा जो मैं करने जा रही हूँ। समहाउ आपने मेरे फेस पे वाला मेकअप देखा भी होगा, बट कभी इतना डिटेल नहीं देखा होगा, सो आई विल ट्राई टू मेक इट मोर डिटेल टू मेक यू मेक अंडरस्टैंड मोर। सो या तो इसके लिए आपको एंड तक इसको ज़रूर देखना है। एक्चुअली मैं ये सोच रही थी कि यार मैं जो है ना वैसे ही जब मेकअप कर रही थी वैसे भी तो इतना अदाएँ और यूँ ड्रामे करके कर रही थी, क्यों ना मैं वैसे ही एक मेकअप बना ही दूँ कि मैं किस तरीके से कर रही होती हूँ, अपने आप से बातें कर रही होती हूँ तो आप लोगों से कर लेती हूँ। तो मेरा इतना कोई फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है, मैं बहुत सटल बहुत आराम से मेकअप कर रही हूँ, झूझ कर रही होती हूँ कि जो है जिसकी वजह से मेरी बड़ी नांडी बिटती है कि बेटा जल्दी हो जाओ, तो नहीं हो पाता भाई, मैं क्या करूँ, मुझे बड़ा ही मज़े से डांस करके करना होगा, दिल चाहता है, तो ऐसा ही कुछ है। तो आज हम करेंगे और बड़े मज़े की वीडियो होने वाली है, तो आई वॉन्ट यू टू ज्वाइन मी टिल दी एंड। एंड फिर एंड अप देखते हैं, मैंने कुछ लुक सोचा भी नहीं कि अच्छा ये बनाऊँगी या ये, बस कुछ भी बना दूँगी, कुछ भी हो जाएगा। तो या थोड़ा सा डर भी लग रहा है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट के अच्छा ही लुक पे एंड अप हो। सो या लेट्स मूव टू द फर्दर। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आदत है लेंस लगा के सारे काम करने के, मुझे कलर आइज़ का बहुत ज़्यादा शौक है, तो इसलिए जब मैं ये लेंस लगाने वाली हूँ सबसे पहले, एंड इट इज़ माय फेवरेट लेंस कलर टू। इसको क्या हो गया, मेरा लेंस मुझे नाराज़ हो गया है, पानी डालना भूल गई थी मैं इसमें ना, इसलिए उठ जाओ, जाग जाओ। तो मुँह खोल के लगाते हैं। ओके जी, तो भाई मेरे दोनों लेंस लग चुके हैं, अब हम निकलते हैं स्किन केयर की तरफ। मैं जो हूँ ना सिर्फ निविया लगाती हूँ बचपन से, मतलब सिर्फ नहीं, मतलब ये कि मैं निविया ज़रूर लगाती हूँ, जबकि बहुत लोग बोलते हैं निविया बहुत ग्रीसी होती है, बट मैं क्या करूँ, मुझे ग्रीसीनेस बहुत पसंद है, मैं यही लगाती हूँ, लेकिन इतनी नहीं लगाती कि मेरे वो बिल्कुल तेल उबलने लग जाए, कम लगाती हूँ, लेकिन ये लगाती हूँ। आई रियली लाइक दिस। और अभी जो ये गर्मियाँ प्लस खुश मौसम चला हुआ है ना, उसमें तो मेरे लिए बड़ी अच्छी साबित हुई हुई है, इससे मॉइस्चराइज़ करने के बाद ही मैं कोई भी मैं लगाऊंगी। यहाँ पे विटामिन सी प्लस ई का सीरम, ये सिर्फ सीरम रात को सोते हुए नहीं, आप कभी भी लगा सकते हो, मैं इस वक्त लगाऊंगी अपने स्किन को प्रेप करने के लिए। तो हम इसको बिल्कुल थोड़ा सा लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी हाईली है, इसका थोड़ा सा ही ड्रॉप ना काफ़ी फेस को कवर कर लेता है, एंड आई लाइक द फ्रेगनेंस, इतनी रिलैक्सिंग है ना। मैं आपको अपना कोड बता दूंगी, आप लोगों ने बाय करना हो तो ज़रूर कीजिएगा, बहुत बेनिफिशियल रहेगा स्किन के लिए, क्योंकि हमारी स्किन नीड्स विटामिन सी एंड डी, ये तो स्पेशली होता है स्किन के। निर्वाणा बोटैनिक्स का जो बताना भूल गई, ये है निर्वाणा बोटैनिक्स का ये। ओके, वी हैव दिस कारबोनिका का स्किन परफेक्ट हाइड्रो एसेंस, इसको तो यूज़ करते हुए सदियाँ हो गई हैं यार, दिल ही नहीं भरता मेरा इससे। स्पेशली द पैकेजिंग, इतना यूनिक सी इसकी बॉटल है, पंप इसका बड़ा मज़े का है। मेरा जो पहले का था ना, मेरे पास पहले जो था जो मैं ख़त्म कर चुकी, उससे मैंने सीन किया था, उसका पंप मेरे हाथ से गिरा और उसकी जो ड्रॉपर होती है वो मैंने तोड़ दी थी। तो फिर मैंने ये किया कि मेरे पास किसी और सीरम का पंप होता है, मैंने उसके अंदर लगा लिया था, लेकिन वो ख़त्म हो गया, तो मैंने वही बॉटल ही ली थी। मैंने ये मैं इतना यूज़ कर चुकी है, मैं ही रिव्यू नहीं दे रही, मैं यूज़ कर चुकी हूँ सब कुछ। हमारा इस वक्त जब तक इस द प्रोडक्ट इसके बारे में मुझे सब पूछते हैं, आदमी अंडर आइज के नीचे लगाती हैं क्या, इससे डार्क सर्कल ख़त्म हो जाते हैं क्या, हमारे इससे जो हमारे ये काले काले गड्ढे हैं पूरे पूरे साल रात भर जाग कर होते हैं, क्या एक बार में लगाने में इससे सही हो जाएंगे। इट हाइड्रेट्स योर अंडर आइज। मैं पर्सनली जो उसको लगाती हूँ ना, मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मुझे इसके बाद जब मैं अपना कंसीलर लगाती हूँ तो जो ग्लाइड ऑन होता है ना वो बड़ा मज़े का लगता है, तो इसलिए
मुझे इसलिए ये बहुत पसंद है। और इसकी बॉटल भी एक पूरी ख़त्म हो चुकी है अपने क्लाइंट्स के ऊपर। अच्छा, इसको यूँ करना पड़ता है क्योंकि ये रोल ऑन पे है तो अक्सर इसका प्रोडक्ट अंदर आ जाता है। तो अपने क्लाइंट्स पे, अपने मुंह पे, जिस जिसके भी मैं ज़रूर लगाती हूँ, मुझे मज़ा आता है इसके बाद मेकअप करने में। तो इसके बाद जो है हमें प्राइमर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारी स्किन प्राइम हो चुकी है। बट फिर भी शशके मारने तो लगा सकते हैं, तो सिर्फ टीवी पार्लर का प्राइमर लगा रही हूँ। वैसे ही बहुत सारा था तो पड़ा रहता है, इसलिए लगा ही लेता है ना। जस्ट अ लिटिल बम, ये मुझे ज़्यादा लग रहा है। कोई नहीं, जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि मुझे लगाना चाहिए, अपने पोर्स को बंद करना चाहिए, मैं वहाँ वहाँ लगा रही हूँ। और मेरे ऊपर जब कोई बोलने वाला होगा कि भाई आपके इतने पिम्पल्स, इतने धब्बे, ये ज़िंदगी है मेरी, मैं इनके बगैर कुछ नहीं हूँ, मुझे पसंद है ये, जब नहीं होते तो मुझे चिंता होती है क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे। तो जब ये हो जाते हैं ना, मैं रिलैक्स होती हूँ, हो गए फाइनली मेरे मेहमान। हमारी स्किन प्रिपरेशन इज डन। मैं कुछ बोल रही हूँ लिप स्क्रबिंग करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक हम लिप स्क्रब पर नहीं करेंगे तो हमारी जो ये है ना, ये जो पापड़ा टाइप है, लिपस्टिक लगती है ना तो बड़े मज़े के नज़र आते हैं, ये इसलिए ज़रूरी है करना। ठीक है जी, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किसका यूज़ करने वाली हूँ। ऑर्गेनिक्स का मेरे पास लिप स्क्रब आया हुआ है जो कि मैंने खुल भी नहीं, ऑयल ऑयल हाथ में आ रहा है इसलिए नहीं खुल रहा। एक मिनट खोलेंगे, हमने इसको ऐसे पकड़ा। हाँ, तो अभी आया था ये और मैं अभी आपके सामने ही इसको यूज़ कर रही हूँ। तो सेंट तो ऐसे कुछ खास नहीं है, जैसे हल्की हल्की सी, बट ऐसा ही मज़े का लग रहा है। मैं लगाऊंगी। अच्छा, मेरे पास जब लिप स्क्रब नहीं था, जब मैं बिल्कुल बावली थी, तो मैं क्या करती थी कि जो चीनी होती है ना, चीनी, उसको हल्का सा पानी में घोलती थी, वो बिल्कुल हल्के से, ज़्यादा डिजॉल्व नहीं करती थी, उसके बाद उसको यहीं कर देती थी। या तो फिर ब्रश के ऊपर जो है, ब्रश जो मेरे दांत ब्रश करने वाला था, वो नहीं, अलग से ब्रश होता था, वो होता था, उसमें हल्का सा पेस्ट लगाई हुई कर देते, प्यारे उठ जाते। रोज मैंने कर लेना, ये मुँह में आ रहा है, चीनी चीनी सी लग रही है। अच्छा, कर यहाँ पे हमारी स्किन प्रिपरेशन समाप्त होती है, अब हम चलते हैं अपने मेकअप की तरफ। तो मेकअप में सबसे पहले जो है मैं करूँगी अपने आईब्रोज। ठीक है, आईब्रोज के लिए मैं लूँगी एक स्पूली। स्पूली लिया हमने अपने आईब्रोज को, किया कंघा। अच्छा हो गया, वी कैन कॉल इट कंघा, ज़रूरी नहीं है हर वक्त बड़ा ही बनते रहो। ठीक है, तो इससे होता है कि हमारी आईब्रोज है ना सिक्वेंस में आ जाती है, इधर उधर बाद नहीं जा रहे होते उसके। फिर मैं लूँगी ये पेंसिल ब्रो भी, और मैं इसको अपनी लिप लाइनर के तौर पर भी यूज़ कर लेती हूँ। और ये है इसका मिट चुका है, आप किसी को भी ब्राउन करेंगे, हम लेंगे मुस्ट्रा ऑर्गेनिक का कंसीलर। दिस इज़ माई फेवरेट कंसीलर टू, क्यों? क्योंकि इसकी कवरेज इतनी हाई नहीं है, नॉर्मल है ना, मुझे इतनी ज़्यादा कवरेज चाहिए ना मुझे कम कवरेज चाहिए, ना मैं इसकी तरफ जा सकूँ। जी, आंखों पे कंसीलर लगाने से होगा कि मुझे एक सरफेस मिल गई है। ठीक है, क्या नाम है, अब मतलब कि वो लोग आई बेस भी लगा लेते हैं, अगर आई बेस नहीं है तो कंसीलर से आप गुजारा कर सकते हो। तो अब मेरा जो शेड मैं लगाऊंगी वो एग्जैक्ट शेड आएगा जी। तो अब हमें बहुत मिनिमम सा जो है अपना आई लुक क्रिएट करना है, तो क्या कर लेते हैं ब्रश के साथ। तो जो है क्या नाम है, अब यह है कि आप कुछ इस तरह का ब्रश लीजिएगा जो सर्कुलर टाइप का हो, लाइक ऐसे करके। ठीक है, क्योंकि इससे ब्लेंडिंग अच्छी होती है। और कोई भी न्यूट शेड ले लेगा, मैं ब्राउन न्यूट की तरफ जाऊंगी ताकि मेरी आई जो मेरा ऊपर का आँखों ये वाला जो कलर है ना जी। अच्छा, लाइट की तरफ जाना है, और सबसे ज़्यादा जो है आपने इस बात का ख्याल रखना है कि लाइट से डार्क की तरफ जाएंगे, हमेशा ट्रांजिशन जो करेंगे वो लाइट से डार्क की तरफ कलर करेंगे, डायरेक्ट कोई भी डार्क कलर लेके उसको नहीं बिल्डअप करेंगे या उसको ब्लेंड नहीं करेंगे, उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा और डार्क ब्राउन शेड लूँगी, ठीक है, और उसको अपनी क्रीज पर लगाऊँगी। बहुत एक
टॉप सा लुक आ गया। अच्छा, इसको और मज़ीद डीप करने के लिए ना, थोड़ा सा इसको डेप्थ देने के लिए मैं डार्क ब्राउन से कोई डार्क ब्राउन शेड लूँगी और उससे इसके कॉर्नर्स बनाऊँगी। अच्छा, कुछ लड़कियाँ क्या करती हैं कि सिर्फ इतनी इतनी आँखों में मेकअप करती हैं। भाई, आपके पास पूरा अपना आँखों का स्पेस है तो उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, पूरी आँखों के ऊपर खेलें, आधी आधी आँख नहीं छोड़ें। और इससे ये होता है कि आपकी आँखों का जो मतलब कि आँखें बड़ी लगती हैं आँखों का। मैं दोबारा ये मॉइस्चर ऑर्गेनिक का कंसीलर ले रही हूँ और कोई क्रीजिंग वगैरह कोई कुछ ऐसा नहीं बना रही, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं ग्लैमर की तरफ नहीं जाना, सिर्फ हल्का सा ले रही हूँ। और अपनी उंगली की मदद से ही ना मैं उसको करूँगी, क्योंकि ब्रश में तब लेती जब मुझे क्रीज बनाती होती। आप ब्रश लेना चाहें तो ले सकते हैं, शेड लिया यहाँ पे। हम जो यूज़ करने वाले हैं मार्कर लाइनर है, ये है मलाइयाओ। भाई, कैसा नाम रखते हो तुम लोग यार, कैसे खुल भी नहीं रहा। खैर, अच्छा है लेकिन ये लाइनर, मैं केक लाइनर लगाती हूँ बट आवाज मार्कर लाइनर। इसके विंग को मैं थोड़ा सा और सही करने के लिए क्या करूँगी कि मैं लूँगी अपना कंसीलर, ठीक है, उसको लगाऊँगी ब्रश में। ज़्यादा ना मैंने वो वाला लाइनर नहीं लगा, ड्रामेटिकल लाइनर लगाया मैंने, एक बहुत इजी सा लाइनर लगाया है जो कि आप लोग इजीली लगा सको। ये नहीं मैंने बहुत बड़े बड़े विंग बनाए, बहुत हल्का सा विंग बनाया मैंने, ठीक है। अब हम दूसरी आँख का मैं करके आती हूँ आपको दिखाती। मैं दोनों आँखों हो गई हैं और मैंने ना एक भन मार दिया, वो ये कि मैंने आईलैशेस लगा ली ऑफिस के लिए। कौन, हम आपको फिर कभी आईलैशेस लगाना सिखा देंगे। अच्छा जी, अब दूसरी बात ये है कि आप, मैं आईलैशेस हमेशा ना साइडों पर लगाती हूँ, मैं यहाँ से ही लगाती, निकलनी भी शुरू हो जाती है, वैसे ही मुझे इतनी ऐसी नहीं पसंद, मुझे साइड में पसंद है। अच्छा, अंडर आइज जो हम करेंगे ना वो हम करेंगे फेस मेकअप करने के बाद, तो हम चलते हैं फेस मेकअप। और कलर करेक्टिंग, जिसे हम कलर करेक्टिंग कहते हैं, जो हम अपने कलर को सही करेंगे, उसमें और कंसीलर में फ़र्क होता है, ठीक है। ये हम कलर करेक्टिंग करने जा रहे हैं, कंसीलर मैं बाद में लगाऊँगी। अच्छा, अब ये है कि जो है क्या नाम है, ये जो कलर करेक्टिंग में लगा रही हूँ ये ओरिएंटल भी कहता है इसको, ऑरेंज कलर का जो होता है ये हमारी स्किन, एशियन स्किन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट होता है, हमारी स्किन को सही कर देता है। और अगर आपने कलर थ्योरी पढ़ी तो आपको उसमें पता चलेगा कि ये हमारे कलर को देखते हुए बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो अच्छा, कुछ के जो केक लाइनर स्टाइल में भी आते हैं क्वार्टर, उसमें जो ओरिएंटल आते हैं क्रायलॉन के स्टिक वगैरह के, वो भी अच्छे होते हैं, बट मैंने इसको काफ़ी अच्छा पाया है, जो प्रो का कंसीलर ये काफ़ी अच्छा है। तो मैं आपको जी कार्टून लग रही हूँ, मैं वो लग रही हूँ पानी, पता है मुझे लगा रही हूँ, वो है मिसरोज का, बहुत कॉमन फाउंडेशन है ये, ठीक है। और ये बीच वन में है, ये थोड़ा सा ना वार्म टोन की तरफ है, क्योंकि ये मेरे एग्जैक्ट स्किन के मुताबिक है, ना इतना ज़्यादा वाइट करेगा मेरी स्किन को, ना इतना ज़्यादा ना ये डल पे चला जाएगा। अपनी गर्दन को नहीं भूलेंगे, वरना लोग बोलेंगे शक्ल कितनी और की, गर्दन कितनी और की, ठीक है, हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, कि हम चाहें तो ब्रश से भी कर सकते हैं, चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, बट हम पहले करेंगे ब्रश से, क्योंकि ब्रश से थोड़ा सा ये मेरे मुँह पर ब्लैंड आउट छोड़। मैं एज यूजुअल लेने वाली हूँ मुस्रा ऑर्गेनिक्स का, ठीक है। अंडर आइज़ को, अपने डार्क सर्कल्स को, अपने आँखों के नीचे हम थोड़ा सा बेक करेंगे। तो मैं यहाँ पे एटीट्यूड का ये फेस पाउडर ले रही हूँ, कर लेते हैं, क्योंकि मुझे, मैंने बताया था कि मैं आफ्टर बेस करती हूँ, तो मैं कोई भी ब्राउन शेड लूँगी, क्योंकि हमारा ब्राउन का ही थोड़ा सा थीम चल रहा है, ब्राउन ही मैंने आँखों पर लगाया है, तो मैं ब्राउन लूँगी और उसको यहाँ के
तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं, हम कंटूरिंग की तरफ निकलते हैं। कंटूरिंग के लिए मैं ये लिक्विड जो प्रोगा कंसीलर है वो ले रही हूँ। मुझे ये पर्सनली भी बहुत पसंद है, एक तो लॉन्ग लास्टिंग है, ऊपर से बहुत मैनेजेबल है और जो है मज़ा आता है इससे कंटूरिंग करने में। तो जिस चीज़ में आपको मज़ा है आपको वही करना। ब्राउनिंग कर लेते हैं अपने फेस पे। बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है। और दूसरी बात ये कि अगर आपको बहुत लंबा मेकअप रखना है अपना लाइक आवर्स एंड आवर्स, तो आप टिंट के लिए जा सकते हैं। और बस इसके बाद ये है कि आपको टिंट के ऊपर पाउडर जो आपका होता है पाउडर ब्रशन वो लगाना ज़रूरी होता है। मैं मिस्टर ऑर्गेनिक का टिंट यूज़ कर रही हूँ। जितना अच्छा फिंगर से ब्लेंड और जितना मैनेज होता है। मैं तो ब्रिया टिंट लगाती नहीं, पीती हूँ। बड़ी शिकायत है मेरे फॉलोअर्स को इस चीज़ से, बट मैं क्या करूँ, मुझे पसंद है। बिल्कुल हल्का सा हाथ रखकर, ज़्यादा डार्क नहीं, फेस पर वो लगाऊंगी ब्लश ऑन, पाउडर ब्लश ऑन, ताकि ये पैक हो जाए। भैया जी ठीक है, अब हम चलते हैं शाइनर की तरफ, हाइलाइटर की तरफ। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने मेरे कानों का। हाइलाइटर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है क्रिस्टीन का, ठीक है। इसकी बॉटल मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि बहुत खस्ता हालत में है, बट आप क्रिस्टीन का कोई भी शाइनर ले लोगे वो अच्छा ही होता है। बट मेक श्योर कि आप शैम्पेन शेड में लो। कौन से शेड में? शैम्पेन शेड में, नॉट दैट मच गोल्डन, नॉट दैट मच सिल्वर। अपने इस एरिया में भी लगाऊंगी। मेकअप किया हुआ है, मैं इसके ऊपर चाहूँ तो डार्क शेड भी लगा सकती हूँ, चाहूँ तो लाइट शेड भी लगा सकती हूँ, यानी न्यूट की तरफ भी जा सकती हूँ, पिंक की शेड भी जा सकती हूँ। बट मुझे पता नहीं उस वक्त जो ऐसा लग रहा है कि मैं ब्राउन की तरफ जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। रेड भी लगा सकती हूँ, मरून भी लगा सकती हूँ, बट हम ब्राउन की तरफ जाएंगे। मुझे ब्राउन कलर बहुत पसंद है, आई एम सो ऑब्सेस्ड विद ब्राउन न्यूड एंड ब्राउन शेड। बट उससे पहले हम अपनी लिप को जो है लिप पे लाइनर लगाएंगे, ताकि जो है हमें बाउंड्रीज मिल जाए कि किस हदूद के अंदर रहते हुए लिपस्टिक लगानी है। ब्राउनी शेड है, ठीक है, मैं ये लगा रही हूँ। सो हेयर इज़ द फाइनल लुक, बट क्या करना बाकी है, बाल खुल ले। हेयर इज़ द फाइनल लुक। आई होप कि आप लोगों को इतनी डिटेल और इतनी अच्छी तरीके से बताई गई वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा इस पूरी वीडियो का, और कहीं आपको मेरी लैकिंग नज़र आई हो तो भी ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसको मैनेज करूँगी, उसको पॉलिश करूँगी। और अगर ऐसी वीडियोस आपको और मज़ीद चाहिए हो तो भी बताइएगा, तो हम मज़ीद इससे ही वीडियोस बनाएंगे, ताकि आप लोग सीखते भी जाएं और मुझे सिखाना भी आता जाए, और मुझे भी बहुत मज़ा आया। सो या तो इज़ अ रैप, एंड अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत दुआओं में याद रखिएगा रमज़ान के महीने में, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को याद रखिएगा। और बाकी आप लोग से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, आप लोग खुद ही मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, उससे ज़्यादा जितना मैं डिज़र्व भी नहीं करती।